Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. So, in the previous lecture, we have completed a question number 11 from the litho. Now we are starting with the question number 12. Okay? Give the geometrical representation of the equation y is equal to minus 4 and 2x plus 9 is equal to 0 in the one variable एंड टू वेरिएबल. तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में आप ध्यान दीजिए. द फर्स्ट वन इज व्हाट वाई इज इक्वल टू माइनस फोर. तो इस इक्वेशन में डायरेक्टली मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे टू वेरिएबल इक्वेशन बन ही नहीं रहा, मतलब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल ही है. तो अगर इसको मैं टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हो सकता है. देखो द इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एंड इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, ठीक है, ये दो तरह के हैं. हमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए कि हमें इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एंड इक्वेशन विथ द टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है. तो प्रॉपर फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल is ax plus by plus c is equal to 0. ये जनरल फॉर्म है, ठीक है. इस तरह से लीनियर इक्वेशन विद द टू वेरिएबल का फॉर्म जनरेट होता है. तो इस हिसाब से हमें वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में पहले इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. मतलब कि अगर वन वेरिएबल की बात हो रही हो तो यहाँ पे तो टू वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे हम जो वेरिएबल है उसको उसी वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे. वाई माइनस फोर इससे देगा तो प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. तो ये हो गया इक्वेशन विद द वन वेरिएबल वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. जो माइनस फोर था इसको इस साइड ले आया तो प्लस फोर हो गया. अब देखिए वाई प्लस फोर है, दैट इज द वन वेरिएबल, बिकॉज ऑफ यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है. अब हमें इसी वेरिएबल को, इसी इक्वेशन को टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं वाई प्लस जीरो प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एडिटिव आइडेंटिटीज, अकॉर्डिंग टू द एडिटिव आइडेंटिटी आप किसी भी नंबर्स में जीरो ऐड करो तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अब जीरो के साथ अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, जीरो के साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करवाए तो जीरो का जीरो ही रहता है. तो इसीलिए वाई प्लस जीरो एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखे जीरो एक्स प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. तो ये मेरा बन गया लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. अब देखो एक्चुअली में तो यहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक्स को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो जीरो हो जाएगा और जीरो प्लस वाई बिकम अ वाई. तो हमने सिर्फ अपनी कन्वीनियंसी के लिए क्या किया, इसने कहा है इसीलिए हमने लिखा है, अदरवाइज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन में पूछा है इसीलिए हमने लिखा है थरारी करके, वरना यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो ये हो गया मेरा इक्वेशन विद द टू वेरिएबल. हर बार हम इसी तरह से करेंगे. अब जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो तो डेफिनेटली वहाँ पे तो हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना है. क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ. दूसरी बात, अब y इज इक्वल टू माइनस फोर, टेक्स्ट बुक में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि भाई जब भी वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो तो इट बिकम अ रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस. जब भी हमें सिंपल
लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल दिया गया हो, कैसा वन वेरिएबल, उसका मतलब ये है कि या तो वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है इस तरह से, या फिर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द वेरिएबल। अब मैं आपको पहला एक करके दिखाता हूँ, एक्स एंड वाई, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, जस्ट अ मिनट हाँ बेटा, इट्स एन इमरजेंसी। चलो अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ के लिए मैं एक बार ये पूरा टेबल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, बाद में आपको टोटली समझ आ जाएगा। अब देखिए, जिस तरह से हमने ग्राफ पेपर में ग्राफ को फ्लोट करना सीखा है वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमने टू वेरिएबल्स कंसीडर किया है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट्स में टू वेरिएबल हमने कंसीडर किया, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह का टेबल जनरेट करूँ इस तरह का, कितने भी नंबर्स ले लूँ डजंट मैटर, तो यहाँ पे y की वैल्यू को मैं कंसीडर करूँ सब्जेक्ट एज अ y, तो x की वैल्यू और y इज इक्वल टू, ये 4 सामने जाएगा तो माइनस 4 होगा, और ये 0x सामने जाएगा तो माइनस 0x होगा, तो टोटली y's वैल्यू इज डिपेंडेड ऑन द x वैल्यू, सो वी हैव सब्स्टिट्यूट द x वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट प्लेस। तो देखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूँ तो माइनस फोर इंटू जीरो बिकम अ माइनस फोर, तो पहला पॉइंट मेरा आ जाएगा 0 माइनस 4, कहाँ पे है 0 माइनस 4, x 0 कहाँ पे होगा y के ऊपर होगा, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी y के ऊपर, तो यहाँ पे 0 माइनस 4 ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। अब मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 1 इंटू 0 बिकम अ 0, x की जगह पे 1 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ए 0 हो जाए तो माइनस 4 माइनस 0 तो यहाँ पे भी माइनस 4 आएगा, तो एक्स 1 और 0 माइनस 4 तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 2 इंटू 0 ऑल्सो भी 0, तो यहाँ पे माइनस 4 इंटू 0 माइनस 4, तो उसके बाद वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा माइनस 2 0। अगर मैं नेगेटिव नंबर्स लूँ माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू 0 ऑल्सो भी माइनस 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 प्लस एंड 0 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 0 बिकम अ माइनस 4, माइनस 2 लूँगा तो भी 0 हो जाएगा तो भी माइनस 4, तो माइनस 1 0 यहाँ पे आएगा, माइनस 2 0 यहाँ पे आएगा। मतलब अगर y इज इक्वल टू माइनस 4 है, y इज इक्वल टू माइनस 4 तो उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से हमें मिलेगा, x की पैरेलल और y इज इक्वल टू माइनस 4। नाउ यू आर ऑल आर द क्लेवर बॉयज एंड गर्ल्स, अगर मैं बोलूं कि अब मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 3 के पास, नाउ यू कैन गेट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू 3, अब आपके माइंड में आ जाएगा कि वो ग्राफ यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू 2 के आगे ग्राफ बनाना तो x इज इक्वल टू 2 के आगे यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा y के पैरेलल। अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू माइनस 3 तो माइनस 3 के पास इस तरह से ग्राफ बन जाएगा पैरेलल टू y। मतलब x इज इक्वल टू माइनस 4 का मतलब बेस y x एक्सिस से x एक्सिस से जो ये लाइन है उसका सभी जगह पे डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4। इस लाइन पे अगर कहीं पे भी पॉइंट हो उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस माइनस 4 ही रहेगा। तो इसी तरह से हम किसी भी इक्वेशन को वन वेरिएबल में इस तरह से लिखेंगे और टू वेरिएबल में इस तरह से रिप्रेजेंट
करेंगे। एक बार मैंने आपकी समझ के लिए ये भी करवा दिया कि भाई अगर इस तरह का कोई भी सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ ऑलवेज लीनियर इक्वेशन, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वो स्ट्रेट लाइन या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। इतनी बात हमें इसमें सीखनी थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट। स्क्रीनशॉट या तो पोस्ट करके वीडियो को लिख लीजिए। अब 12 में ही दूसरा है ना। नंबर 2 एंड नंबर 2 इज 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये अगर इक्वेशन विद द वन वेरिएबल दैट इज ओके। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे वन वेरिएबल ही है। बट अगर इसको मैं टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ देन वी कैन एड हियर अ वाई वेरिएबल लाइक 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया इक्वेशन विद द टू वेरिएबल। अब फॉर्मूला के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट एज अ x ले लीजिए तो 2x इज इक्वल टू माइनस 9 सो दैट x इज इक्वल टू माइनस 9/2 और x इज इक्वल टू 9/2 इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो माइनस 4 1/2 4.5 9/2 को हम माइनस 4.5 भी लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू क्या आ गई, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही समझाया x की वैल्यू आ गई माइनस 4.5। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे ये हो गया माइनस 4.5। तो y एक्सिस से पैरेलल यहाँ पे मुझे मिलेगी वह x इज इक्वल टू माइनस 4.5। अब y एक्सिस से अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिए सभी पॉइंट का डिस्टेंस आपको सेम टू सेम ही मिलेगा 4.5। जिस तरह से यहाँ पे ये डिस्टेंस माइनस 4 आता था, ये डिस्टेंस भी माइनस 4 था, ये डिस्टेंस भी माइनस 4 था, उसी तरह से आप यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू रखोगे ना तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस 4.5। यहाँ पे आपको दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना है या पिछला वाला इरेस करके, या तो फिर आप नए पेज में तो नया ही ड्रॉ करोगे। चलो 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 लिख लिया। चलो अब आएगा नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे हम फर्स्ट वाला 3y इज इक्वल टू 6 एंड फोर्थ वाला 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 दो करवाएंगे। सेकंड एंड थर्ड आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में करने हैं। सो पहले तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर
equation in two variable is 0x plus 3y minus 6 is equal to 0. 3y 6 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 6 होगा और x वाला टर्म नहीं था तो मैंने 0x लगा दिया. सेम टू सेम हियर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज 5x प्लस 0y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. अब हमें मालूम है कि इस टू वेरिएबल को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि भाई यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 6, इट्स इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2. y इज इक्वल टू 2, 6 डिवाइड बाई 3 बिकम अ 2. सेम टू सेम हियर 5x इज इक्वल टू माइनस 10, देन x इज इक्वल टू माइनस 2. आप अच्छे से दोनों ग्राफ अब ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री. अब यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू प्लस टू, तो y इज इक्वल टू प्लस टू क्या पे, यहाँ पे है x से y का डिस्टेंस कितना है, y कितना दूर है, टू जितना. तो यहाँ पे हमारा ग्राफ जनरेट होगा इस तरह से, y इज इक्वल टू टू. अगले एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू माइनस फोर था तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन थी. ग्राफ बहुत ही ईजी है, जब y की वैल्यू हो तब समझ लेना वो स्ट्रेट लाइन x से पैरेलल है, और जब x की वैल्यू हो मतलब x में डिस्टेंस कर काउंट करना है तो डेफिनेटली जब x का डिस्टेंस काउंट करेंगे तो रेफरेंस लाइन मेरी y ही होगी. जब मैं y का डिस्टेंस काउंट करता हूँ तब मेरी रेफरेंस लाइन x होती है. ये आप लिखना है और बार आपको वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री. लेट्स सी एक्स का डिस्टेंस वाई से कितना दूर है, माइनस टू जितना दूर, तो माइनस टू यहाँ पे है तो लाइन मेरी यहाँ पे आएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू. ठीक है, अगर टू वेरिएबल्स में दोनों की वैल्यू होती तो फिर हमें वो पहले पूरा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, टेबल, टेबल के बाद उसकी एक्स की वैल्यू निकाल के फिर वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती, इस तरह से करना पड़ता. पर अगर सिंगल वेरिएबल है तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो तो फाइनली है, या तो वो एक्स के पैरेलल मिलेगी या तो वाई के पैरेलल मिलेगी. अगर वैल्यू एक्स की दी है तो वाई से पैरेलल मिलेगी, अगर वैल्यू वाई की दी है तो एक्स से पैरेलल मिलेगी. लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13. चलो सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14. सोल्व द इक्वेशन 2x plus 1 is equal to x minus 2. And second one is y minus 1 is equal to 2y minus 5.
एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लान। अब हमें इसका जो सॉल्यूशन करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगा उसको नंबर लाइन में भी लिखना है और कार्टेशियन प्लेन में भी हमें उसको ड्रॉ करना है। टेक्स्ट बुक में ऐसे एग्जाम्पल हमने किए थे। देखो, किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना हो ना तो एक साइड क्या आना चाहिए, वेरिएबल आना चाहिए, दूसरी साइड कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। सो टू एक्स एज इट इज, ये एक्स वाला टर्म यहाँ पे आएगा तो माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस टू। अब प्लस वन इधर से उधर आएगा तो माइनस वन होगा, प्लस है यहाँ पे आएगा तो माइनस वन। टू एक्स में से एक्स गया तो एक्स बचा, और सेम साइन एडिशन, सेम साइन एडिशन, टू प्लस वन थ्री एंड माइनस के साइन एज इट इज, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री रिप्रेजेंट। वन नंबर लाइन कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे सबको मालूम है। अगर मेरे पास इस तरह से एक एक्सिस हो, जीरो वन टू थ्री फोर, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री यहाँ पे है, ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि अगर सिंगल वेरिएबल हो तो हम सिंगल लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड रिप्रेजेंट ऑन, दूसरा किसमें बोला है, कार्टेशियन में बोला है या ग्राफ बोला है, नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन में अगर हम बात करें तो हमने पास इस तरह से एक्स एक्सिस, अब यह तो आपके लिए बहुत इजी हो गया है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो अब एक्स इज इक्वल टू क्या मिला हमें, माइनस थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री यहाँ पे है, तो हो गया x इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो ये था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन और ये था कार्टेशियन लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। वही चीज हमें यहाँ पे रिपीट करनी है। अब देखो ये y वाला टर्म उस साइड जाएगा तो 2y में से यहाँ पे देखो माइनस वन बचेगा, y सामने ले जाएंगे तो, और सामने वाला माइनस फाइव यहाँ पे आएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा। 2y as it is, ये y यहाँ पे आएगा तो माइनस वाई होगा। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड में ही वेरिएबल रखे, जहाँ पे बड़ा वेरिएबल हो ना वहाँ पे छोटा वेरिएबल ले जाना, जिससे आपका आंसर नेगेटिव ना आए। देखो यहाँ पे 2x बड़ा था इसीलिए ये राइट हैंड साइड वाला x मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाया। यहाँ पे y और 2y में 2y बड़ा है तो मैंने जो y था उसको राइट हैंड साइड पे मूव करवा दिया लेफ्ट की जगह पे, और ये जो माइनस फाइव था वो यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा। अब ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, फाइव माइनस वन बिकम अ फोर, बिगर वैल्यू साइन प्लस फोर, टू वाई माइनस वाई बिकम अ वाई, सो वाई की वैल्यू आ गई फोर, वाई की वैल्यू आ गई फोर। सो नाउ रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू, तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू फोर। एंड रिप्रेजेंट ऑन कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। x, y, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
अब यहाँ y की वैल्यू कितनी है, प्लस फोर, तो प्लस फोर का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ से जो लाइन मिलेगी वो मुझे मिलेगी y इज इक्वल टू फोर x एक्सिस से सभी जगह पे। अगर आप फोर से लोगे तो भी वो डिस्टेंस फोर मिलेगा, ठीक है, यहाँ से लोगे माइनस टू से तो भी वो मिलेगा आपको फोर ही मिलेगा। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। फिफ्टीन वाला जो है उसमें आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे अगर मेरे पास तो एग्जैक्टली कोई ग्राफ पेपर नहीं है, पर आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना, अगर ग्राफ पेपर अगर अवेलेबल ना हो तो आप स्केल का यूज अच्छे से करना, मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे 1-1 सेंटीमीटर के डॉट ही लेना, जिससे आपके लिए एक्यूरेसी बनी रहे। नंबर 15, ड्रॉ द ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ -2 -3 -4 -5, देखा नहीं है कैसा है, ठीक है, अगर भी हम उसके पॉइंट लेंगे तो मालूम पड़ेगा। चलो, ड्रॉ द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमें इजीली ड्रॉ ग्राफ आराम से ड्रॉ करके हमें मिलेगा। पहला यहाँ पे बना लेते हैं एक टेबल, तीन ही पॉइंट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, तीन चार, एक तीन ही रखते हैं। दूसरा भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, अब पहला वाला है तो y की वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द x, सो x पहले और y की वैल्यू डिपेंड ऑन x प्लस वन। सेम ईयर अगर आप यहाँ पे देखिए और यहाँ पे x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इट्स इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स, y इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स, ये माइनस थ्री यहाँ पे जाएगा तो प्लस थ्री होगा और प्लस एक्स सामने जाएगा तो माइनस एक्स होगा। सो अगेन द y इज वैल्यू डिपेंडेड ऑन x, यहाँ पे मैं अलग अलग तीन वैल्यू रखूँगा, पहले मैं जीरो लूंगा, x इज इक्वल टू जीरो देन y इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन देन y इज इक्वल टू टू, x इज इक्वल टू टू देन y इज इक्वल टू, या तो यहाँ पे माइनस वन रखूँ तो माइनस वन प्लस वन वाई जीरो, ये मुझे तीन पॉइंट मिले। पहले मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ, x जीरो तो y वन, ये वाला पॉइंट। अब जब x वन सॉरी x जीरो तब y वन, यहाँ पे x जीरो होगा y वन होगा, फिर x वन होगा तो y टू होगा यहाँ पे, एंड थर्ड वन जब x माइनस वन होगा तब y जीरो होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ से एक लाइन पास हो रही होगी इस तरह से, दैट इज कॉल्ड y इज इक्वल टू x प्लस वन इस तरह से। अब x इज इक्वल टू मैं जीरो लूंगा तब y इज इक्वल टू थ्री होगा, x इज इक्वल टू मैं वन लूंगा तब थ्री माइनस वन बिकम अ टू होगा, थ्री माइनस वन बिकम अ टू, और x इज इक्वल टू माइनस वन लूंगा तो माइनस माइनस प्लस वन y इज इक्वल टू फोर होगा। अब देखिए x जीरो और y थ्री, ये वाला पॉइंट, फिर x वन
y2, तो ये ही पॉइंट आएगा। तीसरा वाला x माइनस वन और y4, यहाँ x माइनस वन एंड y4, तो इसको मैं इस तरह से पास आउट करूँगा तो ये लाइन मुझे मिलेगी x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? तो कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट वन टू, क्या मिलेगा? वन टू। तो ये लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। अब आगे का लेक्चर नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का क्वेश्चन करेंगे।